हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिल्टर की बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिल्टर की बात किया, अब उसमें आता है फर्स्ट फिल्टर जिसको हम एनालिसिस करने चल रहे हैं, लो पास फिल्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है या बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी सर्किट बन के आएगी, यही सर्किट नहीं, कोई भी सर्किट आप बनी रहे, तो आप उसमें क्या करिएगा, उसमें आपका पैसिव एलिमेंट लगे होंगे, ठीक है। जैसे आपकी या एक्टिव एलिमेंट रहे होंगे, ये आर है, ये आपके पास सी है, क्लियर। और यहाँ पे इनपुट हमने दिया है वी आई टी, अपने सभी इनपुट मान लिया, यहाँ पे वी आई टी है इनपुट, ठीक है, और यहां पे आपका बी आउटपुट, क्लियर। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये आपको ऑब्जर्व करना है, फिर इसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कोई फिल्टर कैसे बताओगे कि ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। तो आप क्या करिएगा, आप लो फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी लीजिएगा। तो आइडियल लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू जीरो, और आइडियल हाई पास फिल्टर के आइडियल हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। इन दोनों पे इस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक चेक करिएगा। वो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, इसमें अगर आप जानते हैं ये कैपेसिटर है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपान ओमेगा सी। एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपान ओमेगा सी। तो ये बताइए, अगर ओमेगा की वैल्यू यहां जीरो पुट करोगे तो ये तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, अगर टेंड करेगा तो जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, क्या होगा, जो इनपुट है वही आउटपुट के इक्वल होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी को तो पास कर दे रहा है, आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब पास कर रहा है, क्लियर। इसी तरह से ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट लीजिए आप, तो अगर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये बताइए, ये इनफाइनाइट के वैल्यू जैसे ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि लो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर। इसी तरह से कोई भी सर्किट होगी आप चेक करिए, अगर यही सर्किट कहता कि लो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट जीरो आता, हाई फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट इनपुट के इक्वल आता या कुछ आउटपुट आता, तो इसका मतलब हम कह देते हाई पास फिल्टर है। या दूसरा ये चेक करिएगा, लो को भी पास कर रहा है और हाई को भी पास कर रहा है, ठीक है, लो को भी पास कर रहा है और हाई को भी पास कर रहा है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, लो को भी अगर ब्लॉक कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट नहीं आ रहा है और लो फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं आ रहा है, तो वो बैंड पास फिल्टर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गेट और आईएस में क्वेश्चन आता है, कोई भी सर्किट ऐसे रेंडमली बना के दे देगा, ठीक है, जो आप जानते नहीं रहेंगे, आपको पूछेगा ये कौन सा फिल्टर है, तो आप क्या करिएगा, ये आप ऑब्जर्व करिएगा, आइडियल लो फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, आइडियल हाई फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, और उस सर्किट के अकॉर्डिंग उसमें जो पैसिव एलिमेंट है उस तरह से बिहेव करेंगे। ओपन सर्किट होगा, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देखिएगा, या तो आउटपुट जीरो होगा या तो आउटपुट कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है उसको देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है या बैंड पास फिल्टर है या बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हम आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि ये आपका हो गया लो पास फिल्टर, अभी तो हम एक्सप्लेन ही करने चले हैं, सर्किट का हेडिंग ही डाल दिए हैं, क्या लो पास फिल्टर। अब आइए इसको इसका सोल्यूशन बताते हैं, ये कैसे एनालिसिस करेंगे इसका। अब बताइए, अगर हमें बी आउटपुट टी निकालना है, तो अगर इसमें करंट मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो करंट क्या होगी, इसमें मान लीजिए करंट आई आई टी है, आई आई टी है, तो आप बताइए आई आई टी की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं,
वी आई टी माइनस वी ओ टी डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं आर। देखिए अभी मैं इसको लाप्लास से बहुत सिंपल से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ध्यान समझो, दोनों मेथड बता रहा हूं आपको। ये हमने करंट निकाल लिया, करंट अब आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो बी आउटपुट टी इक्वल टू क्या होगा, इसका इंपीडेंस, इसका इंपीडेंस क्या होता है आप बताइए, इसका इंपीडेंस क्या होता है, वन अपॉन जे ओमेगा सी मल्टीप्लाई करंट, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी आई टी और माइनस बी आउटपुट टी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर। क्लियर, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपान जे ओमेगा सी आर ब्रैकेट क्लोज, ये बी आउटपुट टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वन अपान जे ओमेगा सी आर और ये क्या हो जाएगा वी आई टी। क्लियर, तो यहां से देखिए b आउटपुट t डिवाइड बाय b इनपुट t और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा सी आर ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए आउटपुट बाय इनपुट इसको कहते हैं गेन, जब भी कोई बात होती है तो आउटपुट बाय इनपुट इसको क्या कहेंगे गेन, तो गेन हमारा आ जाएगा ये देखिए गेन आ जाएगा हमारा वन अपान क्या आ जाएगा वन प्लस जे ओमेगा सी आर। क्लियर, तो गेन हमने लो पास फिल्टर का कैलकुलेट कर लिया। अब इस गेन को इसके दो पार्ट हैं, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा एक इसका फेज होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने मॉड ले लिया, ये देखिए गेन का मॉड ले लिया और गेन का मॉड लिया तो क्या आ जाएगा वन अपान रूट में बताइए क्या आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई वन प्लस इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो गेन की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक, अगर हमें एंगल निकालना हो, गेन का एंगल निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आएगा नीचे इसका, ये तो रियल पार्ट है, इसका एंगल जीरो डिग्री, इसका क्या आएगा टेन इनवर्स ओमेगा सी आर बाई वन, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव कितना हो जाएगा माइनस, ये आएगा टेन इनवर्स ओमेगा सी आर। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और एंगल भी निकाल लिया, अब इसको मैं प्लॉट करूंगा, ये देखिए इसको मैं क्या करूंगा प्लॉट करूंगा, प्लॉट करने में चल रहा हूं ये गेन वर्सेस, ये देखिए इधर मैंने गेन ले लिया, क्या लिया गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैं आपको प्लॉट बताया था फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इधर ये गेन का प्लॉट बना रहा हूं, जस्ट इसके नीचे मैं प्लॉट बनाने चल रहा हूं मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया, इसको बोलते हैं फेज प्लॉट एंगल प्लॉट फेज प्लॉट, गेन गेन ये ले लिया मैंने और यहां पे ये ले लिया फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ये देखिए मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है, ये एंगल गेन, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, इसको बोलते हैं फेज प्लॉट। ये प्लॉटिंग कैसे करते हैं, किसी ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, एक बार ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर लो, एक बार ओमेगा इक्वल टू, तो मैं इधर का वो कर रहा हूं हटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये हटा रहा हूं आपके पास, ये देखिए ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए मुझे इसको प्लॉट करने चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए ओमेगा इक्वल टू मैं ले रहा हूं, यहां पे ओमेगा ले लिया, ठीक है, ये प्लॉट बनाने चल रहा हूं, ओमेगा मैंने ले लिया और फिर इसके बाद मॉड गेन ले लिया, मैग्नीट्यूड गेन का ले लिया, फिर इसके बाद इधर मैंने एंगल ले लिया या फेज ले लिया, ये इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट इसको फेज प्लॉट, दोनों मैं बनाने चल रहा हूं, तो मैं ओमेगा की वैल्यू क्या ले लिया जीरो, और फिर ओमेगा की वैल्यू क्या ले लिया मैं इनफाइनाइट, ओमेगा की वैल्यू दूसरी क्या ले लिया इनफाइनाइट, तभी तो ग्राफ की करेक्टरिस्टिक पता चलेगी मुझे, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो गेन की वैल्यू कितनी आ जा रही है वन, और गेन का एंगल कितना आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा जीरो। क्लियर,
फिर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और एंगल कितना आ जाएगा, माइनस 90 डिग्री या माइनस पाई बाई टू। क्लियर। फिर इसके बाद ओमेगा का एक इंटरमीडिएट वैल्यू मैंने लिया 1/RC, 1/RC, ओमेगा इक्वल टू मैंने 1/RC ले लिया। तो 1/RC लेंगे तो देखिए ओमेगा की तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं प्लॉट बना लूंगा। ये देखिए ये जीरो है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इस पे मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है, तो इस तरह से 1 आया मैग्नीट्यूड, और इस तरह से ये डिक्रीज होके इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो। इनफाइनाइट पे ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। क्लियर। तो ये देखिए ये एक्चुअल लो पास फिल्टर का प्लॉट है, वो जो मैं बताया था वो आइडियल है। क्लियर। तो ये वैल्यू आपका 1 हो गया देखिए, और ये ओमेगा इक्वल टू ये इनफाइनाइट पे ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम हुआ। और एक देखिए इंटरमीडिएट हमने निकाला है, ये आपका है ओमेगा सी, ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC, ओमेगा आरसी पे ये वैल्यू कितना आया, ये आया 1/√2। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हो, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है अगर उसका 1/√2 रह जाए तो उस टाइम पे दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम गेन कितना था 1, मैक्सिमम गेन का 1/√2 रह गया, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसको कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या हुआ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी, लो पास फिल्टर की। अब कितनी वैल्यू आई, 1/RC पे ये आया। क्लियर। जैसा कि यहाँ पुट करके हमने देखा, तो ये देखिए इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया लो पास फिल्टर का। फिर ये लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/RC। इसको आप नोट कर लीजिए, ये रेडियन पर सेकंड में है, ये किस में है, रेडियन पर सेकंड में है। अगर इसमें fc में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/2π और arc। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम यूज किया करेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर। fc इक्वल टू 1/2πRC। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि आप लोग रेजोनेंस पढ़े होंगे तो उसमें दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता था उसका अगर 1/√2 करंट रह जाए तो इसको मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या मैक्सिमम पावर का क्या हो जाए, हाफ पावर, या 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो मैं एंगल प्लॉट करने चल रहा हूं, एंगल प्लॉट करूंगा तो गेन एंगल क्या है, जीरो है, फिर पाई बाई टू है, फिर पाई बाई फोर। तो इस तरह से एंगल देखिए ये इंक्रीज होते हुए ये आपका आएगा। ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट पे ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये आपका आएगा, ये देखिए यहां से इसको इस तरह से करके दिखाइए, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपका आ रही है माइनस पाई बाई फोर। क्लियर। तो ये देखिए ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC पे, तो ये प्लॉट हो गया, और ये इनफाइनाइट पे ये आपका पाई बाई टू रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखिए फेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, फेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। और ये लो फ्रीक्वेंसी को देखिए ये पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए ये लो पास फिल्टर है। और सुनिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका एडवांटेज ये है कि ये देखिए ये लैगिंग पावर, लैगिंग है ये, क्या है इसका फेज क्या है, लैग। तो ये लैग कंपनसेटर, एक कंट्रोल सिस्टम में आएगा लैग कंपनसेटर। तो वहां पे हमें किसी अगर नेटवर्क को लैग करवाना है तो हम लो पास फिल्टर यूज करते हैं। क्लियर। तो ये लो पास फिल्टर है, इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये आपको समझ में आएगी। ठीक है। थैंक यू।